ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी, नियर बशीर मेहंदी वाला, मुमरा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सोशल मीडिया में एक वीडियो एडिट करके उसे वायरल करना एनसीपी कार्यकर्ता इमरान हकीम और रफी मुल्ला को भारी पड़ गया है। ठाणे की नौपाड़ा पुलिस में इनके खिलाफ गुनाह दाखिल करवाया गया है। मनपा अधिकारी महेश आहिर की एक वीडियो को एडिट कर मीम बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया था इन लोगों ने, और जिस पर महेश आहिर ने विधायक जितेंद्र भाट के करीबी कार्यकर्ता इमरान हकीम और रफी मुल्ला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि महेश आहिर जो मनपा अधिकारी हैं, ये एक समारोह में पहुंचे थे राजन कीने के साथ। इनके साथ में और भी तमाम कार्यकर्ता हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, और महेश आहिर इस वीडियो में शेर व शायरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यही वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी। और इसी वीडियो के साथ एनसीपी कार्यकर्ता इमरान हकीम और रफी मुल्ला ने छेड़छाड़ की। इस वीडियो को एडिट करके इसमें गाली गलौज शब्द एडिट किया गया। महेश आहिर के साथ में एनसीपी के कार्यकर्ता कुछ दिन पहले मारपीट की थी, उस मारपीट की वीडियो को भी एडिट करके इसमें डाला गया, और उसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद महेश आहिर ने इमरान हकीम और रफी मुल्ला के खिलाफ बदनामी करने का आरोप लगाते हुए ठाणे के नौपाड़ा में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यानी कि माना जा रहा है कि महेश आहिर के खिलाफ वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया में वायरल करना एनसीपी कार्यकर्ता इमरान हकीम और रफी मुल्ला को भारी पड़ गया है। लोगों ने वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया में वायरल किया था, और इसी वजह से पुलिस ने इन पर 500 और 501 के तहत मामला दर्ज किया है।